बिलासपुर के आरजी मॉडर्न स्कूल में आज स्कूली छात्रों द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक रैली निकाली जा रही है। इसका मकसद है दीपावली को प्रदूषण मुक्त बनाना। इन सभी छात्रों ने पंपलेट ले रखे हैं जिस पर लिखा है कि दीपावली पर इस तरह दिवाली मनाई जा के प्रदूषण न फैले। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रधानाचार्य मानवी शर्मा जी। बात करेंगे क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को आरजी मॉडर्न स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब ये रैली इस उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पॉल्यूशन से रिलेटेड। जो पॉल्यूशन इस दिवाली के उपलक्ष्य में हो जाता है बच्चों और बड़ों के द्वारा क्रैकर्स बर्न करने से, उससे बहुत सारे तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। मेनली इट कॉज वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये बहुत तरीके के पॉल्यूशन फैलाता है। उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं क्रैकर्स छोड़ने से, और वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फोर्स लेबर भी लाता है, चाइल्ड लेबर, जो कि फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे पटाखे बनाते हैं और फिर वो बेचे जाते हैं, और वही छोटे बच्चे उन्हें खरीद भी नहीं पाते, ना ही फोड़ पाते हैं, पर उसके लिए उन्हें फोर्स लेबर बनाया जाता है। और जितना भी पॉल्यूशन इससे फैलता है वो दिनों तक नहीं, हफ्तों तक रहता है, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट भी होते हैं, कोई माइग्रेन का पेशेंट होता है, किसी को ब्रेन की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप उन सब के बारे में सोच के और सबसे पहले खुद के बारे में सोच के ये क्रैकर्स ना बंद करें। जस्ट से नो टू क्रैकर्स। और एक और विनती है आप सबसे, मेरी तरफ से और आरजी मॉडर्न की तरफ से, कि आप प्लास्टिक ना लें, ना यूज़ करें, एंड जस्ट से नो टू प्लास्टिक, बिकॉज इट्स गॉट वेरी हार्मफुल पॉल्यूशन। जो कि प्लास्टिक सबको पता है कि सालों तक नहीं, डेकेड्स तक, सौ सौ साल तक ये गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है इन्वायरमेंट में। आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है क्योंकि इसे एनिमल्स खा रहे हैं, आपकी गाय खाती हैं, सब खाते हैं, और उनकी जाके लंग्स में, शरीर में जम जाती हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं होती, और वो बेचारे उसकी वजह से मर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें और प्लास्टिक बैग्स को नो बोलें और उसे यूज़ ना करें, और हैव अ सेव एंड अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हमारी धरती हम ही बताएं, फिर तू तो नहीं फैलाना है, फिर तू तो नहीं फैलाना है।